गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, YouTube के इस डिलाइट एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो वीडियो नंबर 43, नंबर सिस्टम। आज हम नंबर्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। वैसे आप नंबर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हो, प्रीसीडिंग, सक्सेडिंग, देन बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, मगर क्लास सेवन्थ में आने के बाद एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर नंबर्स की काफ़ी सारी क्लासिफिकेशन हो जाती है, मगर आज हम सिर्फ तीन या चार क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। इसके अलावा काफ़ी सारे नंबर होते हैं, रेशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स, मगर हम इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ यहाँ पे नेचुरल, होल नंबर और इंटीजर नंबर के बारे में ही यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। हम यहाँ पे नंबर लाइन के ऊपर, नंबर लाइन से नंबर सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। मैं पहले आपको नंबर लाइन के सारे कंसेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया हुआ है। नंबर लाइन के अंदर यहाँ पे एक नंबर लाइन है और नंबर लाइन के एकदम सेंटर में बीचों बीच यहाँ पे जीरो दिया हुआ है। मैं थोड़ा आपको जीरो के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जीरो हमेशा नंबर लाइन के सेंटर में होता है। जीरो से राइट साइड में, मतलब ये देखो, ये राइट साइड का आर लिखा हुआ है मैंने, तो जीरो से आप राइट साइड में जाओगे, जीरो से आप राइट साइड में जाओगे तो आपको पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, और जीरो के लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपको नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। फिर बात रही, जीरो इज ए न्यूट्रल नंबर। किसी भी नंबर का एडिशन आप जीरो से करते हो तो आंसर वही का वही मिलता है, किसी भी नंबर का माइनस जीरो से करते हो तो आंसर वही का वही मिलता है, किसी भी नंबर को आप जीरो से मल्टीप्लाई कराते हो तो आपको आंसर जीरो मिलता है, और किसी भी नंबर को आप जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि जीरो का टेबल नहीं होता, और वैसे भी डिवीजन के लिए, जीरो से डिवीजन के लिए हमारे पास कोई रूल्स नहीं है। तो आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड कराओगे तो आपको आंसर मिलेगा इनफाइनाइट। ये आपको जीरो के बारे में कुछ ना कुछ मालूम होना चाहिए। तो अगर आप जीरो से राइट साइड में जाते हो तो नंबर की वैल्यू बढ़ती है, ना कि सिर्फ जीरो के लिए, मगर आप नंबर लाइन में आप राइट साइड चलना शुरू करते हो, लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाना शुरू करते हो, तो राइट साइड में जाने पर नंबर की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होती है, और लेफ्ट साइड पे आने पर नंबर की वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, डिक्रीज होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि कंपैरिजन की बात करें तो 1 और 3, यहाँ पे 1 है और 3 है, नंबर लाइन के ऊपर 1 और 3, तो 3 है वो ज़्यादा राइट साइड में है, मतलब राइट साइड में है 1 से। तो 1 और 3 के मैं कंपेयर करना चाहूँ तो अगर मैं 1 पे खड़ा हूँ तो 3 मेरे राइट साइड में आ जाएगा, तो 1 से 3 बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा है इसलिए इसको 2 पॉइंट्स देने पड़ेंगे, और छोटा, 1 छोटा है इसलिए इसको 1 पॉइंट देना पड़ेगा, इसलिए ये इस तरीके से सिंबल बन जाएगा। अब -1 और 3 की कंपेरिजन करें तो -1 पे आप खड़े हो जाओ, तो -1 पे खड़े होने के बाद 3 आपको कहाँ दिखाई देता है, -1 पे खड़े होने के बाद 3 आपको राइट साइड में दिखाई देता है, तो 3 है वो बड़ा हो जाएगा और -1 छोटा हो जाएगा। फिर हम बात करें -1 और -3 की, तो आप देखो -1 पे खड़े हो जाओ और -3 को देखो, -3 कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है, इसका मतलब -3 है वो -1 से छोटा हो जाएगा, तो -3 छोटा है इसलिए इसको 1 पॉइंट मिलेगा, और -1 बड़ा है इसलिए इसको 2 पॉइंट मिलेंगे। इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर 0 पे खड़े हो जाओ और -3 को देखो, तो 0 पे खड़े होने के बाद -3 को देखेंगे हम, तो -3 लेफ्ट साइड में आ रहा है इसीलिए -3 0 से छोटा हो जाएगा, तो ये -3 छोटा हो गया, इसके लिए 1 पॉइंट, 0 बड़ा है इसलिए 2 पॉइंट्स, तो इस तरीके से सिंबल बनेगा। तो ये 1-2 मार्क्स में आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं कि कंपेयर करना आपको कैसे पता होना चाहिए, कंपेयर कैसे करते हैं। वैसे आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप देख के ही पहचान जाओगे कि -3 बड़ा है या -2 बड़ा है। राइट साइड पे जाने पे नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है, नंबर बड़े हो जाते हैं, लेफ्ट साइड पे जाने पे नंबर की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, नंबर कम होने शुरू हो जाते हैं।
तो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब बात करेंगे नेचुरल नंबर की। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम काउंटिंग में लेते हैं, रियल लाइफ में काउंटिंग में, जैसे डिस्टेंस को दिखाना, किलोग्राम को दिखाना, वेट को दिखाना, लीटर किसी भी वॉल्यूम को दिखाना, जैसे 6 लीटर, 5 लीटर, 3 लीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम। तो जो नंबर्स हम रियल लाइफ काउंटिंग में लेते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, और ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, और इन नंबरों को हम एन से, कैपिटल एन से दिखाते हैं, नेचुरल नंबर के कैपिटल एन से दिखाते हैं। नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर 1 है, और नेचुरल नंबर में सबसे बड़ा नंबर, आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो, कोई फिक्स नहीं है। मगर इस नेचुरल नंबर के अंदर सिर्फ आप 0 को जोड़ देते हो तो एक नया सेट बन के रेडी हो जाता है, जिसको बोलते हैं होल नंबर। नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, बट होल नंबर के अंदर 0 आ जाता है। तो होल नंबर की सीरीज है, होल नंबर है। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्टिंग होता है, इसलिए मैंने 1 तक लिखा था, मगर होल नंबर है वो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इसीलिए आपको 0 से पूरी काउंटिंग करनी पड़ेगी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट तक। मतलब एक बात आपको ध्यान में आया होगा कि नेचुरल नंबर में जो सारे नंबर थे, जितने भी नंबर थे, वो सारे नंबर होल नंबर में आ रहे हैं। बट नेचुरल नंबर में तो 0 नहीं था, मगर होल नंबर में तो 0 भी आ जाता है, इसीलिए होल नंबर का जो सेट है वो नेचुरल नंबर के सेट से बड़ा होता है। और यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो हम यहाँ पे ट्रू बोल सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में आने वाले सारे नंबर होल नंबर में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, दैट्स ये स्टेटमेंट ट्रू है। अब बात करेंगे, तो 1 से स्टार्ट हुआ तो नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट हुआ पॉजिटिव साइड तो होल नंबर, मगर मैं 0 के नेगेटिव वाले नंबर को भी मैं जोड़ देता हूँ, तो अब मैं पूरी नंबर लाइन ले लूँ, ये माइनस वाले नंबर, 0 वाले नंबर और पॉजिटिव वाले नंबर, मैं सबको मिला दूँ तो मुझे एक बड़ा सा सेट मिलता है, और उस सेट का नाम है जेड। जेड स्टैंड फॉर इंटेजर। व्हाट इज इंटेजर? इंटेजर इज अ सेट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। इसमें सारे नंबर आ जाते हैं, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, सारे नंबर आ जाते हैं। मतलब इंटीजर के अंदर 0 भी होगा, इंटीजर के अंदर नेचुरल नंबर भी होगा, इंटीजर के अंदर माइनस वाले नंबर भी होंगे। तो नेचुरल नंबर के सारे नंबर इंटीजर में भी आते हैं, होल नंबर के सारे नंबर इंटीजर में भी आते हैं। मतलब कि इंटीजर का जो सेट है वो नेचुरल नंबर और होल नंबर के सेट से बड़ा होता है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, ट्रू। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, ट्रू। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, ट्रू। जैसे जैसे आप नेचुरल, होल, इंटीजर आप नीचे उतरोगे तो आपके सारे आंसर ट्रू में आएंगे। ऑल नेचुरल होल, ट्रू। ऑल नेचुरल इंटीजर, ट्रू। ऑल होल इंटीजर, ट्रू। मगर आप ऊपर जाओगे तो सारे आंसर रॉन्ग में आ जाएंगे, फॉल्स हो जाएगा। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, फॉल्स। ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर, फॉल्स। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, फॉल्स। रिवर्स उल्टा जाओगे तो आपको फॉल्स मिलेगा, और नीचे आओगे तो आपको ट्रू मिलेगा। तो इसी डेफिनेशन से, इसी एक्सप्लेनेशन से हम नीचे वाला जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वो करेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं, और इस नंबर से हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा नंबर कौन से कैटेगरी में, या कौन सा नंबर किस नाम से हम उसको बुलाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 2 है, तो 2 नेचुरल नंबर में भी आता है, होल नंबर में भी आता है, और इंटीजर में भी आता है, ठीक है। तो 2 इज अ नेचुरल, होल एंड इंटीजर। -7 सिर्फ नेचुरल नंबर में नहीं आता है, माइनस वाले नंबर नेचुरल में नहीं आते हैं, होल में भी नहीं आते हैं, ये इंटीजर में आते हैं। तो -7 हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर
फिर जीरो है वो नेचुरल में नहीं आता है, होल में आता है और इंटीजर में भी आता है। फिर वन बात करें तो वन है वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। फिर माइनस थ्री की बात करें तो माइनस थ्री माइनस वाला नंबर है, नेचुरल में नहीं आता है, होल में नहीं आता है, सिर्फ इंटीजर में ही आता है। टेन की बात करें तो टेन नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव है, इसलिए होल नंबर भी है और इंटीजर भी है। फिर माइनस टेन की बात करें तो माइनस टेन माइनस में है, इसलिए नेचुरल में तो नहीं आएगा, होल में भी नहीं आएगा, सिर्फ इंटीजर में ही आएगा। और फाइव की मैं बात करूं तो फाइव पॉजिटिव नंबर है, नेचुरल है, इसलिए नेचुरल में आएगा, होल में भी आएगा और इंटीजर में भी आएगा। एक बात आप ध्यान से देखो, जो जो नंबर नेचुरल में हैं वो सारे इंटीजर में आ रहे हैं, जो जो नंबर होल नंबर में हैं वो सारे नंबर इंटीजर में आ रहे हैं, मगर जो नंबर इंटीजर में हैं वो नेचुरल और होल में नहीं आ रहे हैं, इसीलिए हम इंटीजर को होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते, बट नेचुरल नंबर और होल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन मैंने इसीलिए करवाया ताकि अब जब आप स्टेटमेंट को ट्रू और फॉल्स करना आता है तो आप उसको मगअप ना करो, रटो ना, इसलिए मैंने आपको ये क्लासिफाई करने का तरीका बताया, क्योंकि नेचुरल होल के सारे नंबर इंटीजर में मौजूद हैं, अवेलेबल हैं, इसलिए नेचुरल को और होल को इंटीजर कह सकते हो, मगर इंटीजर के अंदर माइनस वाले नंबर आ रहे हैं और वो माइनस वाले नंबर होल में और नेचुरल में नहीं आते हैं, इसलिए इंटीजर है वो सबसे बड़ा सेट है, सबसे बड़ा है, इसीलिए इंटीजर को आप होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते हो। तो बस आज के दिन के लिए इतना ही। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया है, इसके बाद वाली जो वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर मैं नंबर्स की प्रॉपर्टीज़, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एडिटिव, क्लोजर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स के बारे में डिस्कस करूँगा। तो उस प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्प्लीफाई में आपको प्रॉपर्टी लगानी होती है, तो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।